बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम गाइस जी, वेलकम है जी तोहड़ा सबदा जी तड़पते फड़कते व्लॉग में। और आज है जी हमारी टॉप सीक्रेट मीटिंग, आज मुलाकात है जी बहुत ही टॉप सीक्रेट। असी बैंक के बाहर खड़े हैं जी, और बैंक क्यों, पैसा बहुत है भाई डिपॉजिट कराना है। अज बड़ा थोड़ा भरा भाई जेबा भरिया ने तो जा रहे डिपॉजिट करान। लो जी गाइस, बैंक का काम खत्म हो गया, अभी जा रहे हैं गुजरात में, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफजले खुदा मीटिंग है एक भाई से। देखो अल्लाह पाक खैर करे क्या बनता है उसके साथ। अगर हमारे मीटिंग सही हो जाती है भाई, मामला दुरुस्त हो जाते हैं जरिया माश के लिए भाई, इंशाल्लाह देखते हैं। अगर वो भाई हमारे साथ काउंट करता है तो वेल एंड गुड है, अगर जानी जैसा हुआ तो फिर मसला बन जाना भाई। तो ये गाइस बलाल फूल पे पहुंच जाए हैं हम। जाकर सुनाओ लो जी नाज़रीन, हो दिन हज़रत बलाल फूल पे पहुंच जाए हैं जी, फूड पॉइंट। पिछली दफ़ा यहाँ पे हमारा लास्ट सर्वे हुआ था, और अभी जनाब मंद चौधरी साहब को देख रहे हैं। चौधरी साहब पता नहीं किधर है, कॉल करते हैं जनाब पहले। ले जी गाइस, गेम कुछ यूं बन गई है कि चौधरी साहब यहाँ पे थे पहले, वेट कर कर के फिर निकल गए हैं। तो अभी कह रहे हैं जी जलालपुर जट्टा वाले रोड पे जो ना आगे है, क्या पाक फैन के सामने है जलालपुर जट्टा, तो उधर से जनाब ठीक है उधर हैं, गाड़ी वॉश करवा रहे हैं। और हमारे ये शहजादे भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलते चलते आपको जी ये खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा करवाते हैं जी। ये है जी हमारे शहर गुजरात की ईदगाह मस्जिद, बड़ी ही प्यारी। इधर भाई जी खड़े हैं, ले जनाब चौधरी साहब खड़े हैं जी, माशाल्लाह वेट कर रहे हैं हमारा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कह रहा था यार पिछले उधर ही खड़े होंगे, आप तो माशाल्लाह आगे गाड़ी ले आए हैं। लो जी फाइनली फाइनली व्लॉग चल रहा है, ये शाम के टाइम ही पता चला है भाई, मैंने बाहर निकलना तो स्टार्ट कर लो भाई। तो नाज़रीन हवतन हजरात, अभी चौधरी साहब चौधरी एस एस साहब मिल गए हैं जी फाइनली 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 अल्लाह के करम फजल के साथ। तो चौधरी साहब सुनाएं, ठीक ठाक हैं? हरियत है, फिट फाट? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी दूर गाड़ी धुलवाने आए हैं, हैं सुकून जगह। अच्छा यार सही होगा जी जनाब, बैठो बैठो बैठो, मुश्किल नहीं है, हो गया नहीं, बैठो बैठो, हम आपको बिठा देंगे भाई। बस यार जज़ाकअल्लाह, नहीं जज़ाकअल्लाह, नहीं नहीं बहुत शुक्रिया यार। कोल्ड ड्रिंक चाय पीवांगे तो बैठ के, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, अब आप करम करें। ठीक है जी तो साहब, ओके जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक हो गया इंशाल्लाह, सुबह मैं ना टाइम रात में ही दस देंगे थोड़ा की सिचुएशन बनी है, की प्लानिंग साड़ी, ठीक है? तो इंशाल्लाह सुबह से आ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। गुजरात का जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, टास्क यही था कि चौधरी साहब से मिलना था हमने, और हमने मिल लिया है, तो और कुछ प्लानिंग की है। तो सुबह इंशाल्लाह लाला मसा का विजिट है, उधर जाऊँगा। अच्छा मीटिंग का ये निचोड़ निकला है कि भाई जान सुबह लाले मुँह से जाना है, लाले मुँह से सुबह जाना है, क्योंकि कह रहे हैं भाई जान के सुबह आओ मजीद बात करते हैं। तो ये हमारा जी है जी गुजरात का अड्डा,
और ये हम हैं, ये लारी अड्डा पीछे गुजरा है। और जनाब मोहतरम, गाड़ी को थोड़ा सा ना पानी डलवा लें, पानी ठीक है, लंगर पानी करवा लिए गड्डी नू। अन्नी पड़ गई उस्ताद जी, अन्नी। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। इन्ना महंगा पेट्रोल है, इन्ना महंगा पेट्रोल है, क्यों जाना जी, कितना महंगा पेट्रोल। जुलम ढाए आने, अभी जाएंगे जनाब चाय वगैरह पियेंगे, और चाय पी के जनाब मोहतरम पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है। और जनाब मोहतरम अभी जा रहे हैं, रिक्शे को सीधा टक्कर मारेंगे। हमारे ड्राइवर उठे जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, रॉन्ग वे जा रहा बंदा, को पूछने वाला बंदा ही वो नहीं इनको भाई। नहीं पूछ लिया तो फिर ना क्या यार, को पूछ ही नहीं रहा सार्जेंट खलोते है, मैं कही जा रहा कोई पूछने वाला बंदा को नहीं है। उन्हें आखना भाई जरूर रुको जरा कोई गल सुनो रहा, वो क्योंकि चाय की बड़ी तलब हो रही है। नंबर प्लेट नंबर प्लेटा बन दी इतने तो नंबर प्लेटा बन दी ने। अच्छा है चाय आन की, आन की क्या चाय, आन का स्टॉल आई हुआ। नाजरीन हवादीन हजरात, चाय के शराटे मार रहे हैं बंदे भाई, ये पवे पे पवा मार रहा है बंदा। मलाई वगैरह मार देना, मुंह दे मलाई मार के। लो जी ढाबे की चाय और मलाई मार के देखते हैं, स्पेशल चाय होती है इसकी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? चाय वगैरह पीने आया है, कैसी चाय है यार बताओ यार, भाई के पैसों से। अच्छा ये सही है भाई, बड़ी बात है यार, बहुत मजे की चाय अच्छी चाय होती है। चलो ये फर्स्ट टाइम है महाराज जी, देखते हैं अगर चाय अच्छी होती है तो फिर सुर्खी लगाने आ जाया करेंगे इंशाल्लाह। चाय वगैरह आ गई है और चाय के साथ केक रास्ते भी चाय। जानी साहब इंजॉय कर रहे हैं केक, वो क्या कहते हैं मजेदार, घर की चाय घर की होती है। और ताजी अपना मोटरसाइकिल करना यार पहले ये बंदा गया था उधर, वो निकालने लगा था भाई के चाय वगैरह पी है पर पता नहीं स्वाद क्यों नहीं आया, कोई स्वाद नहीं आया, नॉर्मल जी चाय जी जनाब। ये दुनिया पागल है सारी, ये दुनिया पागल है क्योंकि चस्का नहीं आया, चस नहीं आई है। जिंदगी बच ना बंदे नु बड़े धक्के खाने पैंदे ने, ते माड़ा वक्त है उस्ताद जी, अल्लाह हैर करे वक्त चंगे भी आवन आले ने इंशाल्लाह वेरी सून, अल्लाह पाक रहमत करेगा ते साडी भी कश्ती किनारे लग जाएगी। किसे दा मकसद है पहला प्राण दू, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਹਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਡਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਸਮੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਖਾ ਬਟੇਰਾ ਵੱਲ ਲੜਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਬਟੇਰਾ ਵੱਲ ਲੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਰਿਸਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੋਚੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨੀ ਪਿਆ, ਹੈਨੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਆਪਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰੂ ਨਾ ਕਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼। ਚਲੋ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੋਟੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨੇ ਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਜੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈ, ਵੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਸਾਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ,
ਫਸਾਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਰੇ ਅੱਜ ਕੋ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਕੋ ਮਹਿਰਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਇੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਵੇੜੇ ਜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਨਿਕਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ नाज़रीन अभी पहुंचे हैं जी अपने घर और घर में आकर बैठे हैं और आज के जो व्लॉग में आपने भाई साहब देखे थे मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देता हूं जो हमारा लास्ट सर्वे हुआ था गुजरात का उसके एंड पे जो भाई साहब आपको नजर आए थे वो यही भाई साहब थे उन्होंने लास्ट में इंटरव्यू दिया था असद चौधरी असद साहब इनका नाम है उन्होंने उस वक्त हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है तो आप हमसे मिलें और डिस्कस करते हैं तो आज जब हम गए मिलने के लिए तो वो कहते हैं जी हम मेरे पास जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए मैं सारा सेटअप लगाऊँगा मेरे पास ये चीज़ें हैं ऑफिस है हम स्टूडियो बनाएंगे मुझे आप अपने साथ एज अ पार्टनर शामिल कर लें भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे ना हम दोनों मिलके इस चैनल को रन करते हैं ठीक है ही जो मेन काम था सबसे बड़ा काम था कि ऐसा सबसे मीटिंग थी आज वरना आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था माइंड कुछ और भी है मेरा पहले मैं सोच रहा था कि कह लो कि बिजनेस वगैरह के लिए कुछ ना क्योंकि सारा बर्डन जो है ना घर के हराजात वगैरह अभी मेरे पे हैं वाले साहब भी बीमार हो गए हैं और वालदा भी बीमार हैं ऑलरेडी आपको पता है फालिज के मरीज हैं और वाले साहब को भी मोहरों की तकलीफ़ हो गई है वो भी कह लो कि बेड पे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अब मुझ पे है मैं चाहता हूँ कि ये साथ साथ मेरा ये चैनल का भी काम चलता रहे और मैं ऐसी एक टीम बनाऊँ जो मिल के काम करे मेरे जैसी हो भाई कि जब कह लो कि चैनल रनिंग में हो फिर यानी कि सबको यानी कि पैसे वगैरह मिले तो यही मेरा मकसद है यार कि कोई टीम बना कर ना तो इस चैनल को प्रॉपर वे से हम स्टार्ट करें प्रॉपर वे से इसको चलाएं और ताकि कुछ आमदनी का ज़रिया बने बाकी सुबह इंशाल्लाह चलेंगे जाकर देखेंगे रिजवान को भी मैंने कहा है कि भाई सुबह जाना है सुबह जाकर मज़ीद ऑफिस वगैरह देखते हैं अगर नीयत साफ़ हो ना फिर मंजिलें बनती ही जाती हैं मंजिलें मिलती ही जाती हैं तो इंशाल्लाह नीयत साफ़ है और हार्ड वर्क होगा तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपने लाजमी देखना है कि क्या बना क्या कर रहे हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए अल्लाह पाक आप सबको हंसता बसता और खुश रखे और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी कि अल्लाह पाक मुझे भी कोई रोज़गार दे दे ये चैनल ही मेरा रोज़गार बन जाए आने वाले दिन इससे अच्छे हों और मैं नए नए व्लॉग नई नई वीडियोज़ नए नए इंटरटेनमेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं और ये भी आपने कमेंट में बताना है कि ये जो हम स्टेप ले रहे हैं पार्टनरशिप का ये हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं अगर आपके माइंड में कुछ सजेशन है मशवरा है तो आप मुझे देख सकते हैं थ्रू कमेंट आया कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं ठीक है अगर आप लोग समझते हैं करना चाहिए तो कमेंट करें अगर आप लोग समझते हैं अगर नहीं करना चाहिए तो फिर भी कमेंट करें और सुबह के व्लॉग में फिर हम जाएंगे असद भाई के पास और देखते हैं जी वहाँ की लोकेशन और सारे मामलात मिलते हैं जी सुबह के व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में मुझे दीजिएगा इजाज़त और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला आप सबको हामी व नासिर रहो और अल्लाह ताला मुझ पे भी अपना कर्म फजल फरमाए अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिए और जाते जाते उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो अगर मेरा आपको ये व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से जाकर लाइक के बटन को दबा दो और शेयर का भी बटन को दबाओ तो फिर जाते जाते हैं आपसे बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए अपना ख्याल रखिएगा अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।